हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, पहले से अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी हमारे नए फ्रैक्चर वाले भाई हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम डेली के हिसाब से एक दो नए वीडियो ऐसे बनाते हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि दोस्तों, हम इस दौर से गुजर चुके हैं, हमें पता है कि भाई हमारे साथ क्या क्या हो गया, हमें इतने दिनों में हमने क्या किया था और इतने दिनों में हमें क्या करना चाहिए और आगे फ्यूचर में हमें हम क्या करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये सब आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, अक्सर आप लोगों के सवाल हमें मिल रहे हैं भाई, और मैसेज भी, कमेंट्स भी। कोई पूछ रहा है भाई हमारा नी बैंड नहीं हो रहा है, कोई कह रहा है हमारा एंकल जाम है, तो कोई कह रहा है हमें लिपिंग का प्रॉब्लम है, और कोई कह रहा है भाई हम जब चल रहे हैं ना तो हमारे उस वक्त एंकल में बहुत दर्द होता है, या फिर हमारे जो प्लेट या रॉड लगा हुआ है उसके स्क्रू में बहुत दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि हम परेशान होते हैं, इससे हम क्या करेंगे। और दूसरी बात ये कि भाई हमारा एक्सरे में हमें कैसे पता चल जाएगा कि भाई हमारा हड्डी जुड़ता है नहीं जुड़ता है। तो ऐसे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखना, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, जो भी हमारे नए फ्रैक्चर वाले भाई हैं। और पुराने के साथ भी यही प्रॉब्लम होता रहा है यार, मेरे अपने साथ भी अभी कभी कभी ऐसा हो रहा है, जब चल रहा हूँ तो मेरा स्क्रू में दर्द कर रहा है, जो ऊपर वाला स्क्रू है सबसे, उसमें पेन हो रहा है बहुत। तो उसी बात का मुझे भी डर लग रहा है कभी कभी, हो सकता है यार स्क्रू कहीं ना स्क्रू टूट जाए, तो स्क्रू टूटेगा तो फिर और प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे भाई, हम सबसे पहले एक्सरे की बात कर लेते हैं कि एक्सरे में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा हड्डी जुड़ता है नहीं जुड़ता है। तो एक दो एक्सरे में आपको पता नहीं चलेगा, आपको सेम देखेंगे, जब पहला एक्सरे हो जाएगा फिर आप उसमें देख के परेशान हो जाएंगे, यार हमारा तो हड्डी नहीं जुड़ गया। फिर आप दूसरा एक्सरे देखेंगे, फिर भी ये प्रॉब्लम है, यार सेम एक्सरे देख दिया सेम। फिर तीसरा, फिर चौथा, तो उसी हिसाब से आप लोगों को पता नहीं चलेगा। मेरे भाई, आप अपने एक्सरे सारे एक साथ ऐसे रखें, पहले एक्सरे को देखें, फिर दूसरे एक्सरे को देखें, फिर तीसरे एक्सरे को देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा भाई हमारा हड्डी कितना परसेंट जुड़ता जा रहा है। और इसमें आपका एक्सरे में ऐसे पता चलेगा भाई, उसके आप देखें उसके अंदर थोड़ा स्मोक टाइप होगा, धुआं टाइप, जहाँ से आपका फ्रैक्चर का गेप ऐसा दिख रहा है ना, उसके अंदर से थोड़ा बहुत ऐसा स्मोक टाइप, जैसे पेंसिल से कलर करते हैं, उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा भाई, उसी टाइप से मतलब पता चल जाएगा भाई हमारा हड्डी कितना जुड़ता है कितना नहीं जुड़ता है। ठीक है मेरे भाइयों, हमारा घुटना बैंड क्यों नहीं होता है, कब तक हमारा घुटना बैंड रहेगा, हम क्या क्या एक्सरसाइज करेंगे इसके बारे में, कब तक इसका एक्सरसाइज करेंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है भैया, जब तक आप बेड रेस्ट पे हैं या आप चल रहे हैं, आप कोई एक्सरसाइज करना चाहिए, जब तक आप फुल रिकवरी नहीं हो जाए आपकी, आप घुटने को जितना चाहे बैंड करने की कोशिश करें। जी हाँ, मुझे ये भी पता है भैया, जब आप घुटना बैंड होता है तो आधा घंटे घंटे के बाद फिर ये सिस्टम स्टार्ट होता है भाई, फिर से घुटना बैंड नहीं होता है, तो इसी से आप लोग बहुत परेशान होते हैं। तो मेरे भाई, इस चीज़ में आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आप चलना स्टार्ट कर लेंगे तो घुटना आपका अपने आप ठीक हो जाएगा। किस लिए? जब आप चल हम वॉकिंग कर रहे हैं तो हमारा पाँव का एक्सरसाइज भी होता जा रहा है, तो इसी हिसाब से जो ना हमारा घुटने का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा, स्टार्टिंग में हो जाएगा मेरे भाई, बहुत दर्द हो जाएगा इधर घुटने के ऊपर, फीमर के पास जब आप घुटने मोड़ने की कोशिश करेंगे तो फीमर के पास बहुत तकलीफ़ होता है, इससे भी आप लोग नहीं घबराएं। और जो हमारा फीमर का हेड होता है ऊपर वाला हड्डी, उसमें भी दर्द होता है कभी कभी चलने के टाइम, तो इसमें इससे भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाइयों। और दोस्तों, बात हुई एंकल की, तो एंकल भी जाम रहता है काफ़ी, किस लिए? स्वेलिंग की वजह से, स्वेलिंग भी बहुत होता है, स्वेलिंग की वजह से एंकल जाम रहता है, और एंकल जाम होने से क्या होता है, आपका लिपिंग भी होता है, जिस वक्त आप लोग चलने की कोशिश करेंगे उस वक्त लिपिंग हो जाएगा मेरे भाई, इसमें भी कोई तकलीफ डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, ये चीज़ भी अपने आप ठीक हो जाएगा मेरे भाइयों। और रही बात स्क्रू में जो पेन होता है चलने के टाइम, या फिर वॉकिंग करने के, या फिर ऐसे रनिंग करने के टाइम भी थोड़ा बहुत पेन होता है, तो इस चीज़ भी आप लोग नहीं घबराएं मेरे भाइयों, ये भी अपने आप ठीक हो जाएगा। किस लिए भाई? वज़न आता है इसके ऊपर, इससे क्या हो भाई, जब हमारा फ्रैक्चर हो गया था ना पहले, तो उससे क्या हो गया, हमारा सारा वेट सारा वज़न हमारे नहीं स्क्रू के ऊपर आता था, तो इसीलिए अभी स्क्रू कभी कभी दर्द करेंगे, इससे भी आप लोग नहीं घबराएं, ये भी अपने आप ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, लिपिंग की बात करें, लिपिंग आपका अपने आप ठीक हो जाएगा, और उसके लिए जो बेस्ट चीज़ आप करेंगे भाई, जल्दी हमारा लिपिंग ख़त्म हो जाए, इसके लिए आप लोगों को साइकिलिंग करना चाहिए, साइकिलिंग या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग करें, 5 किलोमीटर चलें, 6 किलोमीटर चलें, उससे आपको स्वेलिंग हो जाएगा मेरे भाइयों। जब भी स्वेलिंग हो जाएगा तो आप थोड़ा बहुत एक दो घंटा आधा घंटा रेस्ट कर लें, फिर रेस्ट करने के बाद फिर आपका ये स्वेलिंग भी अपने आप ठीक हो जाएगा, इसमें मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई आप लोग परेशान हैं, मेरे भाई सब परेशान थे, मैं खुद इतना ज़्यादा परेशान था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ।
बहुत भाई कॉल कर रहे हैं तो उनका कभी कभी कॉल उठाता हूँ, कभी नहीं उठाता, तो बेचारे परेशान रहते हैं, कह रहे यार आप कॉल नहीं उठाते, हमारा परेशानी और बढ़ता जा रहा है, प्लीज़ हमारा हेल्प करें। क्योंकि डॉक्टर का आपको पता है भाई, डॉक्टर इतनी जल्दी रिप्लाई नहीं देते, वो एक मिनट अपॉइंटमेंट आपको मतलब अपॉइंटमेंट पर आप चले गए, उसने आपको देख लिया, एक्सरे वैक्सरे देख लिया, बस पाँच छः बातें कर ली, कुछ तो आप उसे सवाल करना भूल जाते हैं रास्ते में, दिल में याद रहता है भाई आगे जाके डॉक्टर साहब से ये बात पूछूंगा, ये बात पूछूंगा, ये बात पूछूंगा, उधर जाके दो तीन बातें पूछ के लिए, तो डॉक्टर भाई बोला हाँ ठीक है अभी जाओ नेक्स्ट वीक या फिर दो वीक के बाद फिर आ जाओ। फिर आप जब बाहर निकल रहे हैं तो फिर याद आता है, ओ यार मैंने तो डॉक्टर साहब से ये चीज़ पूछना मैं भूल गया। तो मेरे भाई आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। और जो हमारे ओपन फ्रैक्चर वाले भाई हैं, भाई आपको तकलीफ़ थोड़ा ज़्यादा है, किसी को 5 महीना लगता है, किसी को 6 महीना रिकवर होने में लगता है, किसी को 7 महीना, किसी को 8 महीना भी रिकवरी में लगता है। क्योंकि उसका आपको पता है भाई, फ्रैक्चर होने की वजह से आपका जो है ना खून नीचे बह रहा है, तो इसकी वजह से जो है ना आपका बोन हीलिंग में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर जो भी आप लोगों को कुछ बात मैसेज वगैरह पूछना है तो प्लीज़ ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सॉरी चाहूँगा अगर कभी कभी मैं फ्री नहीं होता तो आप लोगों को कॉल नहीं उठा, तो इससे नाराज़ नहीं होना मेरे भाइयों, क्योंकि हमें भी काम वगैरह करना है यार, ज़िंदगी आपको पता है, हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा मेरे भाई, तो परेशान नहीं हो जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।